जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटीआई प्रो के तरफ से आने वाला सब ब्रांड स्पीकर जो कि है योगी प्रो के तरफ से 2000 वाट का स्पीकर। तो आज के वीडियो में इस वाले स्पीकर का फुल डिटेल्स हम जानेंगे जो कि इसका मॉडल नंबर होने वाला है YG1850 टाइटेनियम सीरीज का ये स्पीकर होने वाला है और ये 2000 वाट का स्पीकर रहेगा कार्बन फाइबर कोन में। तो इस स्पीकर का फुल डिटेल्स हम जानेंगे आज के वीडियो में। जैसे कि हम बात करेंगे इसका प्राइस कितना होगा, इस स्पीकर का क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा, साथ ही साथ इसके लिए कौन सा एम्पलीफायर हमें लेना चाहिए वो भी मैं आपको इस वाले वीडियो में बताऊंगा। और बात करते हैं तो यहाँ पर इस वाले वीडियो में टोटल जानकारी रहेगा स्पीकर से रिलेटेड। तो चलिए आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस बात करते हैं पहले स्पीकर के बारे में। तो स्पीकर आप देख सकते हैं यह है YG1850 मॉडल का स्पीकर जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है YG1850 टाइटेनियम और इसमें कार्बन फाइबर कोन देखने को मिलता है जो कि कार्बन फाइबर कोन नॉर्मल पेपर कोन से लगभग 2 गुना ज्यादा मजबूत होता है। प्लस इसमें वाटरप्रूफ भी रहता है, प्लस ये काफी ज्यादा हार्ड रहता है जिसमें कि हमें सॉलिड पंच और सॉलिड वाइब्रेशन देखने को मिल जाता है। नॉर्मल पेपर कोन से थोड़ा ज्यादा एडवांस हमें पंच वगैरह देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो 4 पीस मैग्नेट में यहाँ पर कंपनी ने मेंशन किया है और अगर आप देखेंगे तो 18 इंच फ्रंट मैग्नेट में ये स्पीकर हमें देखने को मिलता है और इसका कंपनी ने RMS पावर यहाँ पर देखिए 1999 वाट मतलब 1999 वाट का RMS पावर मेंशन किया है। बाद बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो सारा चीज आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बाद बाकी अगर हम बात करते हैं स्पीकर का डिटेल्स कि स्पीकर में हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है, तो स्पीकर के मैग्नेट के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर मॉडल YG1850 टाइटेनियम हमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पर मैग्नेट में क्रोम फिनिशिंग किट लगा हुआ है और मैग्नेट के ऊपर में आपको सारा डिटेल्स मिलता है जैसे कि 8 ओम्स का स्पीकर है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ये सभी जानकारी आपको देखने को मिलता है ऊपर। और यहाँ पर होल्स भी देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि ईयर पास होते रहे और यहाँ पर 4 पीस मैग्नेट कट है मतलब कि 4 पीस इसमें मैग्नेट लगा हुआ है। इसका फ्रेम आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का फ्रेम का यूज किया गया है और पेपर कोन जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कार्बन फाइबर कोन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम बात करते हैं स्पीकर के स्पाइडर के ऊपर, तो स्पाइडर आपको सिलिकॉन देखने को मिलता है जो कि रेड स्पाइडर लगा हुआ है जो कि काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। एंड यहाँ पर टर्मिनल सॉकेट आप देख सकते हैं ब्लैक एंड रेड कलर वाइज कॉम्बिनेशन किया गया है जिसमें कि आप ब्लैक वायर एंड रेड वायर काफी इजीली से आप लगा सकते हैं और यहाँ पर वायर की क्वालिटी भी काफी अच्छी रखी गई है। और तो बात करते हैं दोस्तों इसका स्पेसिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है YG1850 टाइटेनियम सीरीज में स्पीकर आता है। पावर रेटिंग 2000 वाट RMS पावर हमें देखने को मिलता है और इम्पीडेंस जो है वो स्पीकर का 8 ओम्स मिलता है। एंड यहाँ पर फ्रेम जैसा कि मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम का फ्रेम यूज किया गया है, वॉइस कॉइल इसमें 5 इंच का इन आउट वॉइस कॉइल यूज किया गया है और स्पीकर का साइज जो है वो 18 इंच का है और नेट वेट जो है वो 22 kg का स्पीकर हमें देखने को मिलता है। मैग्नेट का साइज आप देख सकते हैं 280x140x25 जो कि स्पीकर का जो मैग्नेट है वो यहाँ पर 280 का पूरा राउंड हो जाता है एंड 140 का मैग्नेट का यहाँ पर से साइज हो जाता है एंड 25 mm का इसका मोटाई हो जाता है। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मैग्नेट का ग्रेड भी दर्शाया गया है, Y35 का मैग्नेट यूज किया गया है। 4 पीस मैग्नेट हमें देखने को मिल जाता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आप देखिएगा तो 35 से 1.5 kHz मतलब कि 1500 हर्ट्ज तक स्पीकर काम कर सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका रेड सिलिकॉन यहाँ पर डंपर दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें रेड सिलिकॉन स्पाइडर यूज किया गया है जो कि काफी अच्छा मजबूत माना जाता है, नॉर्मल स्पाइडर से लगभग 2 गुना ज्यादा मजबूत होता है। फिलहाल ये रहा स्पीकर का डिटेल्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एम्पलीफायर की, हम इसमें कितने वाट का एम्पलीफायर का यूज कर पाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कोई भी एम्पलीफायर आप यूज करते हैं तो 2000 वाट के स्पीकर को आप कम से कम 7 से लेकर 8 वाट का एम्पलीफायर आपको देना चाहिए। जो कि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जाना माना ब्रांड इंडियन ब्रांड जो है वो जाइफर Z8 हम इसमें लगा सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप कोई अदर ब्रांड का मतलब कि दूसरे कंपनी का स्पीकर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2000 वाट का हम 2 स्पीकर एक चैनल में 4 ओम्स लोड इस टाइप का एम्पलीफायर यूज करेंगे या तो NX Audio का MT1801 में भी हम इसको चला सकते हैं। और अगर हम ATI Pro का एम्पलीफायर लेना चाहते हैं तो ATI 50 प्लस भी एम्पलीफायर आता है, वो भी एम्पलीफायर हम ले सकते हैं या फिर ATI का 10000 एम्पलीफायर भी ले सकते हैं। तो कोई भी आप हेवी एम्पलीफायर ले सकते हैं, एम्पलीफायर में ज्यादा डिटेल्स मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। फिलहाल अब हम लास्ट में बढ़ते हैं कि स्पीकर का प्राइस कितना होगा। मार्केट में प्राइस कम ज्यादा हो सकता है, सभी मार्केट में अलग अलग प्राइस होते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका अप्रोक्सीमेटली प्राइस बताने वाला हूँ क्योंकि प्राइस सभी मार्केट में अलग अलग होता है। तो अप्रोक्स प्राइस जो है रहेगा इसका
वो यहाँ पर लगभग 15,000 रुपए के आसपास, आप मान के चलिए 15,000 से लेकर के 16,000 के बीच में ये वाला स्पीकर आपको ऑल ओवर मार्केट कहीं भी मिल जाएगा। क्योंकि इसका डीएमटी धमतरी में एक्सपो का प्राइस लगभग अप्रोक्स मैंने उस वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैं नहीं प्राइस बता रहा हूँ, उस वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा, चैनल में पड़ा हुआ है। फिलहाल इस स्पीकर का प्राइस अप्रोक्स मार्केट में अभी 15,000 से 16,000 का रिसेंटली प्राइस है, और आने वाले समय में प्राइस ज्यादा भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान देना है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।